नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दें कि 12 जिले में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को लेकर के कलेक्टर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 12 जिले के अंदर प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष दिलीप शाह की अगुवाई में समस्त पत्रकारों ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी के विरुद्ध सरकार द्वारा देश का वश पूरे मामले में की गई गिरफ्तारी पर प्रभाव कार्रवाई करने के पत्रकारिता सुरक्षा कानून की जरूरत के मद्देनजर देश में मीडिया आयोग के गठन की मांग को लेकर के जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह भी बताया कि रिपब्लिक भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की महाराष्ट्र सरकार द्वारा द्वेष भावना से गिरफ्तारी करना पत्रकारिता पर सीधा सीधा हमला है। राज्य सरकार इसमें कामयाब रही है। इसका पत्रकारों ने एकजुटता के साथ विरोध किया। किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी से पहले प्रेस काउंसिल के संज्ञान में यह प्रकरण महाराष्ट्र सरकार को लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह पत्रकारिता का गला घोटने के समान है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अस्तित्व ऐसी घटना से खतरे में आने के समान है। ज्ञापन में पत्रकारों ने बताया कि पत्रकारिता को पत्रकार सुरक्षा कानून की जरूरत है। देश या प्रदेश में इस तरह के हमलों कोई भी घटनाएं हो रही हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही देश से मीडिया आयोग का गठन हो और पत्रकार की गिरफ्तारी से पहले राज्य सरकारें आयोग के संज्ञान में प्रकरण लें। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।